नमस्कार, 2-in-1 अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये एंजल्स के ऊपर है। अब मैं एक एंजल सीरीज़ बनाने जा रही हूँ। कई व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं एंजल नंबर्स के ऊपर शॉर्ट वीडियोस मैं बनाऊं उनकी हेल्प के लिए। एंजल नंबर स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर एंजल होते क्या हैं या कौन है, कहाँ रहते हैं। तो जो एंजल्स हैं वो इसी वर्ल्ड में रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो हमें नज़र नहीं आते। जो लोग असेंडेड सोल्स हैं वो ये बात जानती हैं कि 3D वर्ल्ड भी यहीं है और 5D वर्ल्ड भी यहीं है। फ़र्क सिर्फ हमारे हायर डायमेंशंस का है। मींस स्प्रिट गाइड्स एंजल्स हमें देख सकते हैं, आर्क एंजल्स हमें देख सकते हैं, डिवाइन हमें देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें देख पाएँ ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब हम अपनी वाइब्रेशंस को रेज करते हैं, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, तो हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। हम लोग चाहे ये जाने या ना जाने, लेकिन ये लोग हमारी हेल्प करते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया है। प्रीवियस मींस इससे पहले वाली नहीं, पहले कुछ वीडियोस में इस बारे में मैंने जिक्र किया है कि हर सोल का एक स्प्रिट गाइड कह सकते हो, स्प्रिट गार्जियन कह सकते हो या प्रोटेक्टर कह सकते हो। एक जो सोल है उसका एक गार्जियन, एक प्रोटेक्टर, और वो एंजल फॉर्म में ही होते हैं, उन्हें गाइड करते रहते हैं। लेकिन वो हमारी लाइफ में बिना हमारी परमिशन के इंटरफेयर नहीं करते। जब हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में होते हैं वो तभी हमें हेल्प करते हैं। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट की हेल्प सिर्फ और सिर्फ तभी करता है या करती है जब उसे हेल्प की ज़रूरत हो। और यदि बच्चा अपने आप कर पा रहा है तो कोई भी टीचर उस बच्चे को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि टीचर जानती है कि बच्चे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक ऐसे ही ये जो एंजल्स आर्क एंजल्स हैं ये भी ये जानते हैं कि सोल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो ये उसकी हेल्प बहुत रेयर या ना के बराबर करते हैं। लेकिन जहाँ इन्हें महसूस होता है कि अब ये विदाउट हेल्प वर्क नहीं कर पाएंगे, तो वो उस सोल की स्प्रिट की हेल्प करते हैं। हमें ये पता नहीं चल पाता है, लेकिन वो बर्थ से ही हमारे साथ होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस बारे में अवेयरनेस हमें तब होती है जब हम अपने बारे में खोजना स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी आपको समझाया है कि ये जो जर्नी है, जो ट्विन जर्नी है या स्पिरिचुअल सोल जर्नी है, क्योंकि ट्विन जर्नी भी स्पिरिचुअल सोल जर्नी ही है, तो ये जो जर्नी है ये अपने आप को हमें ढूंढने की जर्नी है, अपनी सोल को, अपने सोल पार्ट को, सोल फ्रेगमेंट्स को ढूंढने की जर्नी है। और जब हम काम बहुत अच्छे से करते हैं तो हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम अच्छे से नहीं करते हैं तो डिवाइन अपने सोल्जर्स भेजकर हमारी हेल्प करते हैं। नॉर्मली आर्क एंजल्स किसी की लाइफ में यूं ही एंटर नहीं करते।
जो उनके गार्जियन एंजल्स हैं या गार्जियन सोल्स हैं वो ही उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें गाइड करती हैं। बट जब कोई सोल अपने आप को असेंड कर लेती है तो उसे प्योर करने के लिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सोल हमेशा प्योर रहती हैं, बस हम उनके ऊपर लेयर्स चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, उन लेयर्स को निकालने में उस सोल की हेल्प करते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा पेनफुल होता है तो कई बार सोल डिस्टर्ब हो जाती है और समझ नहीं पाती। यहाँ पर मैं सोल नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारी सोल तो प्लेजर फील करती है, वो तो हेल्प मांगती है। मैं यहाँ ह्यूमन बिहेवियर कहूँगी कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है, उसे पता ही नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। बिकॉज सोल तो हमारी अवेयर है, वो सब जानती है, बस वो हमें अवेयर करना चाहती है। क्योंकि सोल में डिवाइन का अंश होता है, हर सोल में डिवाइन का अंश होता है, लेकिन कम्प्लीटली डिवाइन फॉर्म में आने के लिए हमें अपने ऊपर वर्क करना होता है। उसी वर्क को हम इनर वर्क कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एंजल्स हमारी हेल्प कैसे करते हैं। एंजल्स आपसे वाइब्रेशंस के थ्रू, कलर्स के थ्रू और नंबर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं ये क्या कह रही हूँ, हमने तो सिर्फ यही सुना है कि एंजल सिर्फ नंबर्स के थ्रू आपसे कनेक्ट होते हैं। हाँ, ये सच है कि एंजल्स नंबर्स के थ्रू हमसे कनेक्ट होते हैं, लेकिन वो कलर्स और वाइब्रेशंस के थ्रू भी हमसे कनेक्ट होते हैं। क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, तो वो अपनी वाइब्रेशंस हमें सेंड करते हैं। हमारे क्वेश्चन के आंसर भी वो वाइब्रेशंस के थ्रू ही देते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि वाइब्रेशंस के थ्रू कैसे आंसर हमें मिल जाते हैं। आप चाहें तो इसे अपने आप ट्राई करके देख सकते हैं। जो भी पर्सन डेली रूटीन में मेडिटेशन करता है वो जानता है कि वाइब्रेशन होती क्या है। एक्सक्यूज़ मी, दो तरीके की वाइब्रेशंस आपको फील होती हैं, एक हॉट और एक कूल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। और ये जब वाइब्रेशंस हम फील करते हैं तो उसमें दो तरीके से हमें स्पंदन महसूस होता है। एक वाइब्रेशन हमें अंदर से प्लेजर फील कराती है और एक वाइब्रेशन हमें इरिटेट करती है। जो वाइब्रेशन आपको अंदर से प्लेजर फील कराए वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, और जिन वाइब्रेशन से आपको इरिटेशन हो, गुस्सा आए या आपको बिल्कुल बात करने का मन ना करे, आप इरिटेट हों, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं। आप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं और टाइम आपके पास नहीं है मेडिटेशन का, तो आप अपने अंतर मन से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप डिवाइन से, आप एंजल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाह रहे हैं। उसके बाद जो आंसर आएगा आपके दिमाग में, वो जो फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर मिलेगा। अगर पॉजिटिव है तो आप अंदर से बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे, प्लेजरफुल फील करेंगे, और अगर वो नेगेटिव आंसर है तो आपको, आपके माइंड में जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव नहीं आएंगे। कुछ लोगों के साथ बॉडी में वाइब्रेशंस आती हैं, जिन वाइब्रेशन से उन्हें प्लेजर फील होता है,
इट मीन्स पॉजिटिव आंसर, और जिन वाइब्रेशन से वो इरिटेट होते हैं इट मीन्स नेगेटिव आंसर। अब वाइब्रेशन मैंने अभी बताया कि दो तरीके की होती हैं, या तो हॉट होंगी या कूल होंगी, वो एक्सट्रीम लेवल की होती हैं। बट जो बैलेंस वाइब्रेशंस होती हैं, ना तो बहुत ज़्यादा हॉट और ना ही बहुत ज़्यादा कूल, वो आपकी एक्यूरेट वाइब्रेशंस होती हैं। और आपको उस समय समझ जाना चाहिए कि आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। इट मींस जब तक आपकी वाइब्रेशंस नॉर्मल नहीं हैं, आपकी वाइब्रेशन सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित नहीं हो रही हैं, मींस या तो राइट नोस्ट्रल से निकल रही हैं या लेफ्ट नोस्ट्रल से, इट मींस आप बैलेंस नहीं हो। बैलेंस करने के लिए आपको दोनों नोस्ट्रल से जब आपकी ब्रीथ निकलती है तो आप बैलेंस होते हैं।